दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन को डेस्कटॉप में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हमारे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो डेस्कटॉप करने के लिए सिंपली से आपको एक ऐप का ज़रूरत होगा, जिसका नाम है JPCSIM। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली से आपको डेटा ऑफ कर लेना होगा, देन सिंपली से इसे ओपन करना होगा। ओपन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको यस पे टैप करना होगा। देन यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ कहीं पे भी आप दो बारी टैप करना होगा। देन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई सा विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो XP यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको टैप कर देना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं, आपका विंडो XP जो है वो ओपन होने लग गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर आवाज़ करता है वैसे ही ये भी आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आप देख सके अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्टार्ट मेन्यू भी आ रहा है, यहाँ रिसाइकल बिन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे चलाने के लिए आपको माउस सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। तो यहाँ टैप करने करना होगा, देन यहाँ आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर दो बारी क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप में होते हैं। आप इनमें से किसी को भी चला के देख सकते हैं। अगर आपको ये बंद करना है तो सिंपली से आपको होम बटन टैप कर देना होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।